हाँ जी डॉक्टर साहब कैसा लगा? ब्राउन ब्राउन ही माशाल्लाह जी। शागे तुसी ये बन रहे हैं कौन से पकौड़े? चाइनीज पकौड़े बन रहे हैं। रमजान की सबसे कमाल चीज टैंग रेडी की है इस बड़े से डोल के अंदर, अब इसको इसमें डालना है। वालेकुम खवातीनों हजरात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी अभी मैं सो के उठा, इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया। अब ये ना समझना कि सारा दिन मैं सोता रहा हूँ, कोई घंटे के लिए आंख लगाई थी बस, क्योंकि सुबह मैं गया हुआ था सहरी करने कहीं पे। खैर आज का जो हमारा सीन है, आज हमारे घर में आने हैं मेहमान, बल्कि आ गए हुए हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तो घर में काफ़ी आइटम्स बन रही हैं, खाना पीना हो रहा है, फुल ऐसे मज़ेदार सा सिस्टम। बाहर तो बाहर जो सीन चलते हैं भाई, आज घर में क्रेज़ी सीन हुआ पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा खाने बन रहे हैं। हम लोग रात से ही तैयारी करने लगे हुए थे, तो कुछ रात के क्लिप्स है, ज़रा रात की तैयारी के वो पहले देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। ये देखो ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे ये बॉक्स पैटीज बनानी है हमने, ये उसका मिक्सचर रेडी हो रहा है। इसके अंदर चिकन है और बाकी वेजिटेबल्स है, छोटी छोटी कट करके डाली है। और यहाँ पे ओए होए 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 क्या खुशबू आई है। ये बन रही है हमारी कीमा बिरयानी, बनेगी, बन नहीं रही, कीमा बिरयानी बनेगी। ये उसके लिए कीमा रेडी हो रहा है, चिकन का कीमा। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि ये देखने में इतना कोई मज़ेदार लग रहा है, ये चेक करेंगे कल के कैसा बनता है, क्या इसका सीन है। और ये बिरयानी तो भाई हमेशा टॉप पे। बाकी अभी काफ़ी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं कल इफ्तारी की, थोड़ी बहुत तैयारियां कल करेंगे रात का, बस यही दो चार चीज़ें, जैसे जैसे जो जो होता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। बाकी कल सारा सीन होना है मेन, जो हमारी इफ्तारी वाला सारा सीन है। ये जो बॉक्स पैटी वाला हम लोगों ने मेज़ा बनाया था वो ये पड़ा हुआ है, और ये बनी है हमारी बॉक्स पैटीज। ये देखो ज़रा, ये छोटी छोटी सी। अब इसका जो तरीका है ये मैंने भी बनाई, मैं अब कोशिश करूँगा कि इफ्तारी में थोड़ा सा हाथ बटा दूँ। तो हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, एक पट्टी नीचे और एक पट्टी इसके ऊपर इस तरह, और यहाँ से हम लोग इसका मेज़ा निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा हो गया, ये चेक करना था, स्किल्स चेक करना। एक इसको ऐसे करेंगे, फिर एक इसको, ये चेक करना था। आए है क्या नहीं, फिर आपका भाई शेफ पूरा। मैंने तुक्का मारा, सही बन गई। ये चेक करना, तुक्का मारा लेकिन सही बनी है। ये साइड इसकी खुली, अच्छा उसमें मेज़ा कम है, मैंने मेज़ा बहुत ज़्यादा कर दिया। चलो कोई नहीं, ये जिसकी किस्मत में आएगा उसकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, ज़रा उसका पेट भर जाएगा ये खा के इफ्तारी में। चलो चलो चेक करते हैं जाके कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्राई हो रही हैं। ये ना हो के सारा कुछ मेहमानों के आगे रखा जाए और फिर मैं बैठा रहूँ मुँह देखता रहूँ। चलते हैं और जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें बन रही है। ये वो बॉक्स पैटी बन रहे हैं जो हम लोगों ने रात को बनाए थे, लेकिन देखो ज़रा आपके भाई ने परफेक्ट शेप्स बनाई थी सारी, क्या कमाल के लग रहा है यार। यार मानो ना मानो, बात तो है कुछ, बाकी बाहर भी अगर हमारा खाने से ताल्लुक है तो खाना बनाने से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है कहीं पे। इस ऑयल में चिकन फ्राई हो रहा है, ये मज़ेदार सा चिकन यहाँ पे निकल के पड़ा हुआ है। ओए हो भाई, हैवी है। चिकन हमारा फ्राई हो गया है तो बस इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, तो इसको डिश में सेट कर देते हैं। अब ये मुझे आता नहीं है कैसे सेटिंग करनी है, लेकिन फिर भी चेक करो, एक तरफ हमने लेग पीस लगा दिया, दूसरी तरफ ये वाले पीसेस। चलो अभी ये भी बन गए हमारे, और ये कैसी परफेक्ट शेप आई है जो मैंने बनाए थे भाई, चेक करो जरा, हर एक जैसे बिल्कुल बराबर। हाँ जी खाना खा लिया, हमारी इफ्तारी होगी, खा लिया इसने, ओए होए इसीलिए सुकून से बैठी हुई है चुप करके। अच्छा हम लोगों ने ये सीन किया है कि हम लोगों ने फ्राई आइटम्स है ना, कोई पाँच छः सात आइटम्स नहीं बनाई हमने, तीन चार चीज़ें बनाई हैं, जिसमें ये बॉक्स पैटी है, उसके बाद चिकन फ्राई हो रहा है, समोसे बनेंगे, पकोड़े बनेंगे और एक आधी कोई चीज़ बनेगी। तो मेन कोर्स में हमारे पास मज़ेदार सी कीमा बिरयानी है, वही जो रात की कीमा रेडी हो रहा था, कीमा बिरयानी और साथ मटर है। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इफ्तारी करके तो उसके बाद खाना शाना खाएँगे, बस अभी कोई 20 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में, तो साथ साथ आपको दिखाता हूँ।
हमारा मटन का सालन रेडी हो गया है और क्या खुशबुएं आ रही हैं। साथ ही सालन भी तैयार कर लिया है, अभी बस इफ्तारी के थोड़ी देर बाद खाएंगे। ये बिरयानी रेडी हुई है, ओए होए हो, ये चेक करो ज़रा, ज़बरदस्ती बिरयानी, कमाल लग रही भाई, कीमे वाली बिरयानी। रमज़ान की सबसे कमाल चीज़, टैंग रेडी की है इस बड़े से डोल के अंदर, अब इसको इसमें डालना है। ये अब मुझे लगता है देसी नुस्खा जो है ना इस तरह वाला, वही आजमाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा तमीज़दारी वाला काम करेंगे हम। ऐसा तो घंटा लग रहा है। ये बन रहे हैं कौन से पकोड़े? चाइनीज पकोड़े बन रहे हैं। इसके बाद ये वाली वही पैटी फ्राई हो रही है और ये रह गया, ये हम लोग खाएंगे, बाकी अंदर मेहमानों के पास चला गया। ये अभी पकोड़े और पड़े हुए हैं, मतलब और बनने हैं काफ़ी ज़्यादा, आज पकोड़े ज़्यादा हैं भाई। तब से एक काम मिला ये वाला, जिसमें हम लोगों ने दूध डालना है, तो अपना देसी नुस्खा आजमा के चल 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 आए, हैवी हो गया भाई, चेक करो, एक कतरा भी नहीं गिरा, नहीं गिरा। ये वाला बाहर रखना है, ये अपना हो गया, इसके अलावा है और कुछ के नहीं, बस यही। यार इफ्तारी में रहते थे 5 मिनट भी मुश्किल से, और हुज़ैफ़ा रोटियां लेने गया हुआ था, अभी तक आया ही नहीं है, उसका कोई पता सूरी नहीं चल रहा, और 5 मिनट रह गए इफ्तारी में। मुझे लगता है आज इसकी इफ्तारी बाहर ही होनी है, जो रोटियां लेने गया हुआ है, हालांकि सामने बिल्कुल घर के तंदूर है, लेकिन कोई नहीं, हम इफ्तारी करते हैं अपनी जाके। किधर चला गया था तो इतनी लेट? हुज़ैफ़ा फुल गुस्से में कह रहा खुद चले जाते हैं, इसकी ऐसी की तैसी। किधर गया था, इतनी देर क्यों ये रोटियां लेने में है? लगा ही नहीं रहा था, उसे कहना था हुज़ैफ़ा आया रोटियां जल्दी करो जरा, 6 बज के हो रहे हैं, 10 मिनट और इफ्तारी होने में सिर्फ चंद सेकंड रह गए हैं। चल 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 चल, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। यार हम लोगों ने इफ्तारी कर लिया है, मज़ा आ गया इफ्तारी करने का। कल हम लोगों ने बाहर इफ्तारी की थी, लेकिन जो घर की इफ्तारी है उसका बहुत मज़ा आता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों के जज़ाए खैर अता फरमाए, कमाल की इफ्तारी है जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इस तरह की हज़ारों इफ्तारियाँ करवानी करनी नसीब करे। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया। अब क्या खा रहे हैं? ब्राउन ब्राउन कौरमा खा रहे हैं माशाल्लाह। खैर अपनी इफ्तारी खत्म करते हैं, उसके बाद खाना शाना खाएंगे, ठीक? खाना खाना है ना इसके बाद? जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह खाएंगे माशाल्लाह, मेरे भाई ने तो खाना शुरू कर दिया है माशाल्लाह, बाकी भाई फिर नमाज पढ़ के खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी डॉक्टर साहब कैसा लगा? ब्राउन ब्राउनी माशाल्लाह जी, शागे तुसी थोड़ा शागे डॉक्टर साहब, दही भले अच्छा, फ्रूट चाट कमाल दी, सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी आपको लगी है? ब्राउन 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 क्या ब्राउन कोरमा ऐसा लेबोरेटरी थोड़ा सा करो ना कि मेनू ब्राउन कोरमे जिला नहीं, चिकन नहीं पसंद, मेनू मटर पसंद है, आते बोला जी मैं टच कट लगा लड़पड़। हां जी यार हम लोगों ने इफ्तारी कर ली, खाना शाना खा लिया, फिर मेहमानों के पास ज़रा बैठ गए। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं और इस टाइम मैं व्लॉग की एंडिंग करने लगा हूँ। हाँ जी मूसा, आपको खाना कैसा लगा? बेहतरीन, आला बेहतरीन लगा है। मूसा ने भी खाना पास कर दिया, आज की इफ्तारी अच्छी थी ना? हाँ। चलो भाई मूसा को भी पसंद आ गई, लेवल हो गया। खैर आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, थोड़ी छोटी सी वीडियो थी, लेकिन कोई नहीं, आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं आपको एक अलग एक मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।